अपनी पत्नी और 8 साल की बच्ची की गुमशुदगी का झूठा मामला दर्ज कराने वाले पति को चास पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगभग एक सप्ताह पहले अपनी पत्नी और 8 साल की बच्ची की जमशेदपुर जाने के क्रम में गुम हो जाने की चास थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले राजेश कुमार चौधरी को चास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चास थाना प्रभारी अमिताभ राय ने इस संबंध में बताया कि आरोपी राजेश कुमार चौधरी ने गुमशुदगी और मोबाइल स्विच ऑफ होने की रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद चास पुलिस की एक टीम के द्वारा राजेश कुमार चौधरी की पत्नी अंजलि देवी का जमशेदपुर में फोन का लोकेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और उसके पत्नी और बच्ची को यहां लाया गया। पूछताछ में पता चला कि वो अपने पति को बोलकर जमशेदपुर के लिए निकली थी और डर के मारे अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि 4 महीने पहले आरोपी ने अपने पत्नी को रात में सोते हुए गला काटने की कोशिश की थी, जिसमें बचाव करने में उसका गला और हाथ भी कट गया था। इसके बाद पति ने इलाज के लिए अस्पताल ना ले जाकर घर में ही रखकर इलाज करवाया। इस पर इसकी बच्ची ने भी पुलिस को बताया कि घर में आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। पुलिस ने इसकी पत्नी का बयान दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। चौधरी लगभग एक सप्ताह पहले एक अपनी बीबी और 8 साल के बच्ची के खोने का मामला दर्ज कराए थे कि मेरी बच्ची और मेरी बीबी जो 28 साल की है जमशेदपुर जाने के क्रम में कहीं मिस हो गई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके आधार पे इसके जांच का जिम्मा PSI दानिश कुमार को दिया गया। काफ़ी प्रयास के बाद कहीं से क्लू मिला कि उस लेडीज का लोकेशन हजारीबाग के जमशेदपुर में है, जहां दानिश कुमार जाके उस लेडीज को छोटी सी बच्ची थी 8 साल की उसको पकड़ कर लाया गया। यहां आने पे खुलासा हुआ कि मिसिंग नहीं हुई थी, ये बोल के गई थी कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं, ठीक है, और पति के डर से वो मोबाइल ऑफ कर ली थी। पति जो है वो जमशेदपुर में लगभग 3-4 महीना पहले 3 बजे रात को उसका गला काट दिया था, तो सोते हुए में जिसको वो चाकू पकड़ ली तो हाथ भी कटा गला भी कटा, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और घर पे ही इलाज कराया गया। बताया गया कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब पुलिस के पास जाना। जब वो ठीक हो गई तो उसको वहाँ से बोकारो भेज दिया गया बड़े भाई के यहाँ, यहाँ रखा गया। लेकिन इन लोग का संबंध, आपसी संबंध बहुत तनावपूर्ण था, माता पिता था, दहेज मांगता था। जब इस बात का खुलासा हुआ, जांच किया गया तो सही पाया गया, उनकी बेटी से भी बातचीत किया गया, बेटी ने भी बताई कि हाँ हमको भी मारते थे, मम्मी को भी मारते थे। तो इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है और राजेश कुमार चौधरी को जेल भेजा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जमशेदपुर, खादी भंडार में काम करते हैं जमशेदपुर। पत्नी का क्या नाम है सर? अंजनी।